तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बजाज पल्सर 125 जो स्प्लिट सीट है दोस्तों, यहाँ पे स्प्लिट सीट की मैं बात करूंगा, चाहे तो आप सिंगल सीट ले सकते हो। तो 2023 में बजाज पल्सर 125 काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिल जाएगा। जैसे लुक वाइज आपको ऐसा नहीं लगेगा, इस बाइक के अंदर बहुत सारा चेंज आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस बाइक के बहुत सारा चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आपको वीडियो में बताऊँगा कौन सी बड़ी चेंज आपको देखने को मिलता है। जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी दोस्तों इस बाइक के बारे में, तो वो कंपनी यहाँ पे दूर कर दिया दोस्तों, क्योंकि जितने भी बेसिक बाइक आ रही है सभी बाइक के अंदर आपको FI इंजन देखने को मिल रहा है दोस्तों, यानी फ्यूल इंजेक्टर देखने को मिल रहा है, लेकिन बजाज पल्सर में आपको इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर देखने को मिलता था, लेकिन कंपनी यहाँ पे FI इंजन दे दिया दोस्तों। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे अगर टैंक के नीचे अगर देखा जाए, या फिर कोई भी आपको पेट्रोल टी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले जो बाइक आती थी यहाँ पे आपको पेट्रोल टी देखने को मिलता था, यहाँ पे आप ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो दोस्तों, लेकिन इस बाइक के अंदर कंपनी FI सिस्टम दे दिया, यानी फ्यूल इंजेक्टर हो चुका है। या फिर बजाज DTSI जो इंजन है वो पहले से हट चुका है दोस्तों, या फिर देख सकते हो बजाज DTSI कोई भी बैंडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोस्तों सिंगल स्पार्क प्लग वाली बाइक आती है। जैसे देख सकते हो अभी कोई भी स्पार्क प्लग आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बजाज का कहना है दोस्तों पुराना जो बाइक थी वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर देखने को मिलता था, वहाँ पे लीन मिक्सचर हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये बाइक फ्यूल इंजेक्टर हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी लीन मिक्सचर या फिर रिच मिक्सचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों बजाज DTSI जो टेक्नोलॉजी है वो कंपनी यहाँ पे हटा दिया है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका जो एलोरियम का डिजाइन है वो आपको बिल्कुल ही नया देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इस प्रकार एलोरियम का डिजाइन आपको पल्सर P N160 में देखने को मिल जाएगा, पल्सर N160 में देखने को मिल जाएगा, उसी प्रकार सेम डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा, यानी 3 रॉड वाला एलोरियम का सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो सीट का टायर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत रिफ्लेक्टर प्रोवाइड करती है, यहाँ पे फ्रंट में आपको टेलीस्कोप सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कार्बन फिनिश के अंदर दोस्तों थोड़ी बहुत यहाँ पे फ्रंट का मार्कर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो इसका डिस्क का पैटर्न है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल ही चेंज देखने को मिल जाएगा। पहले जो बाइक आती थी यहाँ पे इस प्रकार कोई भी डिजाइन आपको देखने को नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको इस प्रकार डिजाइन देखने को मिल जाएगा। अगर टायर साइज की बात की जाए तो 80-100-17 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसके इंजन की बात की जाए तो इंजन पुराना ही इंजन है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर इसे पावर फिगर की बात की जाए तो 124 सिंगल सिलेंडर एयरकूल इंजन मिलता है, जैसे मैक्सिमम पावर है 11.8 PS 8500 RPM पे, जैसे मैक्सिमम टॉर्क है दोस्तों 10.8 Nm 6500 RPM पे, यानी इंजन का पावर फिगर मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है दोस्तों, यानी पहले जैसा पावर फिगर आपको देखने को मिल जाएगी, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर इसकी गियर बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो बजाज पल्सर के अंदर मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, इसके अंदर अभी भी आपको मेटल का चेन बॉक्स देखने को मिलता है दोस्तों। अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो पहले जैसा आपको नाइट्रो मोनोऑक्साइड सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, जिसका सस्पेंशन मामले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये का फुटलेस आप देख सकते हो, इस पर साड़ी कार भी आपको देखने को मिल जाएगा, और ये का फुटलेस ठीक है। तो ये जो बाइक है दोस्तों ये स्प्लिट सीट है, चाहे तो आप सिंगल सीट ले सकते हो दोस्तों, उसकी कीमत आपको थोड़ी बहुत कम देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो इस पर बड़ा हटा है। अगर गैप हैंडल की बात की जाए तो इसका जो गैप हैंडल है आपको कुछ इस पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगर इंडिकेटर की बात की जाए तो जो इसका जो इंडिकेटर है पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्लेक्सिबल आपको देखने को मिल जाएगी, हालांकि जो इसका इंडिकेटर वो आपको बल्ब वाला इंडिकेटर देखने को मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो बल्ब वाला इंडिकेटर आपको काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबल देखने को मिल जाए, जैसे कि आपकी बाइक गिर जाएगा उसके बाद भी इंडिकेटर इतनी आसानी से नहीं टूटेगा दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो अगर मीटर क्रॉसर की बात की जाए तो इसके अंदर बहुत सारा चेंज आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बजाज पल्सर 150 में जिस प्रकार मीटर क्रॉसर आती है दोस्तों, यहाँ पे आपको सेम मीटर क्रॉसर देखने को मिल जाएगा। मैं दोबारा ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसी प्रकार आपको मीटर क्रॉसर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्पीडोमीटर, साइड स्टेयर इंडिकेटर, लो बीट इंडिकेटर, टाइम भी देखने को मिल जाएगा, साथ साथ दोस्तों यहाँ पे फ्यूल गेज भी आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे इंजन मालफंक्शन लाइट, हाई बीम लो बीम, न्यूट्रल की लाइट दोस्तों, और इंडिकेटर की बटन, और यहाँ पे RPM लिमिट आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे टैकोमीटर देखने को मिल जाएगा, जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आती है दोस्तों। स्विच कंसोल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सेल्फ का बटन देखने को मिल जाएगा, इंजन किल स्विच, और यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर हॉर्न आपको देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, अपर डिपर, और इस प्रकार आपको पासिंग स्विच देखने को मिल जाएगा। तो अगर इसकी हेडलाइट की बात की जाए तो हेडलाइट आपको पुराना ऐसा बल्ब वाला हेडलाइट देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अगर इसके प्राइस की बात की जाए दोस्तों, इसका जो स्प्लिट सीट है 1,15,000 के अंदर आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा, वो भी वेस्ट बंगाल बैंकुड़ा, और के जो बाजार शोरूम है उसकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। आप अपनी डीलर से जरूर संपर्क कीजिए दोस्तों। अगर आप सिंगल सीट लेना चाहते हो वहाँ पे आपको लगभग 1,00,000 के नीचे आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा, यानी प्राइस के मामले में दोस्तों 1 रुपया बाइक कंपनी ज़्यादा नहीं बढ़ा दोस्तों। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है दोस्तों। तो अगर इसकी रियर की लुक की बात की जाए तो इसका रियर का लुक है आपको पहले से देखने को मिल जाएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छी है, और रियर का टेलाइट भी आपको LED देखने को मिल जाएगा, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो आपका कैसा लगा मुझे कमेंट के बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, सबके शेयर कर दे, मिलते हैं अगले को वीडियो में।